माता दी, जय श्री माता। मैं अभिषेक। ये चौबीस खंभा माता मंदिर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अंदर अति प्राचीन बने हुए 24 खंभे हैं। ये राजा विक्रमादित्य के जमाने का मंदिर माना जाता है। ये जो 24 खंभे बने हुए हैं ये राजा विक्रमादित्य के जमाने का ही पूरा निर्माण है। राजा विक्रमादित्य का जो कार्यकाल था उसको मंदिरों का स्वर्णिम कार्यकाल माना गया है। मतलब उनके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। क्योंकि उज्जैन उनकी राजधानी थी तो ये मंदिर भी उनके कार्यकाल में ही बना हुआ है। अंदर 24 खंभे हैं, 12 खंभे छोटी माँ के पीछे और 12 खंभे बड़ी माँ के पीछे। ये दोनों बहनें हैं, ये बड़ी बहन है महामाया, उधर छोटी बहन विराजमान है महालाया। ये मंदिर राजा विक्रमादित्य के समय का माना जाता है। ये मतलब स्वयं प्रकट हुई है माता जी, पत्थरों में है इनकी मूर्ति स्थापित। ये पूरा पत्थर है, बहुत पुराने। ये नवरात्रि में ये राजा विक्रमादित्य की आराधना देवी माना जाती है। जो अपना हर सिद्धि मंदिर है वो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी मानी जाती है। ये उनकी आराधना देवी। इसका कोई वो तो नहीं लगा सकते, पर हाँ ये है कि राजा विक्रमादित्य से भी पुराना मंदिर है ये।